आज की जो मीटिंग यहाँ पर मुनक़द हुई अंडर द बैनर ऑफ सीख स्कूल एजुकेशन एम्प्लॉज कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें मैं डॉक्टर मंजूर चेयरमैन हूँ, यहाँ के बहुत बड़े लीडर गणेश खुजूरिया जी यहाँ पर हैं, ये हमारे महादकबर खान साहब, प्रदीप जी, वाइस प्रेसिडेंट सुषमा जी, हमारे कुछ इश्यूज़ हैं डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा काम हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ वी के सिंह, तो उसमें रेगुलराइजेशन का मामला है, रनिंग रेट पैटर्न है, बहुत सारा काम हो चुका है उस पर, लेकिन अभी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर हमें काफ़ी स्ट्रेस देना है। और दो साल के बाद स्कूल खुले हैं, अब हम चाहते हैं कि सारा स्टाफ हो मतलब स्कूल में, ताकि हमारा जो मतलब बच्चा है वो सफ़र ना हो जाए। इसी तरह हमारा एक इशू है नॉन वैकेशनल स्टेटस, जो प्रिंसिपल हमारा होता है स्कूल में, वो तकरीबन चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे पियान हो, चाहे क्लर्क हो, उनके अटेंडेंस वो मार्क करता है, लेकिन वो नॉन वैकेशनल है तो इसको वैकेशनल ज़ुमरे में रखा जाए। तो हम चाहते हैं कि नॉन वैकेशनल स्टेटस ऑफ द प्रिंसिपल को रेस्टोर किया जाए। तीसरी जो हमारी अहम बात है कि रेगुलराइजेशन की, रेगुलराइजेशन 2018 में एक डिसीजन हुआ, सैक डिसीजन, उसमें बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा इश्यूज़ पेंडिंग है, उनको हम चाहते हैं कि एक टाइम बाउंड मैनर में हल किया जाए। बाकी जो दूसरे इश्यूज़ हैं टीचर्स के रिलेटेड या लेक्चरर्स मास्टर्स के रिलेटेड, वो हमारे गणेश खुजूरिया जी आपके सामने बताएंगे। वो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो हमारी स्कूल एजुकेशन एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, इसमें आप सुनो भाई, जो हमारे सी के चेयरमैन मेरे साथ प्रेसिडेंट मंजूर साहब और बाकी मोहम्मद अकबर खान मेरे जो स्टेट प्रेसिडेंट मेरे साथ और बाकी अफीसर फोरम के हमारे रूपलाल जी और साथ में प्लस टू के लेक्चरर्स फोरम के हमारे साथ प्रदीप जी हैं और सलसिया साहब हैं, बाकी लीडर। देखिए, कहने के मेरे का ये मतलब कि जब से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री वी के सिंह जी ने कार्यभाग संभाला है, इस डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो गए, परंतु उसके साथ साथ जैसे अब कोरोना की महामारी के बाद लगभग दो वर्षों के बाद स्कूल खुल रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट का डिसीजन उसका वेलकम भी करते हैं। टीचर्स मास्टर्स की, हर मास्टर्स की, जो लेक्चरर्स की बात करूँगा, जो लिंक है उस लिंक के अंदर प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ लोग जो हमारे ई मेल डाल रहे हैं उसमें कुछ स्कूल शो होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मैं बीके सिंह जी सर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिंक जो लिंक उन्होंने डाला है, इस लिंक की जो है डेट है वो बढ़ाई जाए, था और साथ में जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर की जाए, जो टीचर की ट्रांसफ़र हो जैसे जैसे पहले सीईओ लेवल पे होती थी वो सीईओ लेवल पे हो, और जो मास्टर की ट्रांसफर होती थी जैसे पहले डायरेक्टर लेवल पे होती है वो डायरेक्टर लेवल पे हो, और जो गस्टर पोस्ट है जो पुराना कल्चर है जिस तरीके से वो सेक्टर लेवल पे हो। हम फिर मैं अंत में यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने बीके सिंह सर को कि इसको लिखो को रिन्यू किया जाए, और साथ में जो प्रमोशंस हैं टीचर टू मास्टर और मास्टर टू हेड मास्टर और प्लस टू लेक्चरर्स की जो पोस्टें खाली हैं उसकी जल्दी से जल्दी प्रमोशन की जाए। प्रमोशन इस तरीके से की जाए कि जो लुक आफ्टर ओपीजी वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, और वंस फॉर ऑल जो इंचार्ज सिस्टम जो है वो खत्म होना चाहिए, जो हमसे हम